कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में शहर के राप्ती कॉम्प्लेक्स, फर्टिलाइजर, नेपाल क्लब सहित कुल 5 जगहों पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान जांच कराने आए लोगों का कोविड-19 के जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए जाँच किया गया। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि लगातार कैंप लगाकर कोरोना की जाँच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच शिविर की सूची सदर तहसील के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सूची देखकर जांच शिविर में पहुंचकर अपना कोरोना जांच कराएं। कोरोना की जांच से बीमारी की पहचान कर समय पर उसका इलाज किया जा सकता है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ा जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शनिवार के दिन होने के कारण हमारे जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे नियमित टीकाकरण होता है, तो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कैंप आज नहीं लगा था। केवल 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से राप्ती कॉम्प्लेक्स, नेपाल क्लब और फर्टिलाइज़र, 5 हमने मेडिकल मोबाइल यूनिट लगाई थी। कल केवल 2 PSC को छोड़ के बाकी 20 PSC के द्वारा कैंप लगाया जाएगा, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर लगेगा। वहाँ पर निःशुल्क कोरोना शिविर लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा सा लक्षण नज़र आता है या कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव या उसके घर के किसी के लोगों के संपर्क में आया है वो इन शिविरों में जाकर अपना निःशुल्क कोरोना जांच करा सकते हैं। प्रशासन के द्वारा ये निःशुल्क कोरोना जाँच शिविर पिछले 15-20 दिनों से लगातार लगाए जा रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। आप सब लोगों से अपील, आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं, सभी लोग इससे डरे ना, अधिक से अधिक मात्रा में इन शिविरों में पहुंचकर अपनी निःशुल्क कोरोना जांच कराएं। हाँ, कल राप्ती कॉम्प्लेक्स में कल शिविर लगेगा। वहाँ चूँकि अब सभी दुकानदारों को ये करवाना है, सभी कर्मचारियों को करवाना है, तो राप्ती कॉम्प्लेक्स में इसी क्रम में शिविर लगाया जाएगा।